कराची में कम उम्र की शादी का एक और केस सामने आया, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। 12 साल आरफा ने तहफ्फुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, इस बारे में अपडेट कर दीजिए। इसमें जो वालिदैन है उनका मौकफ है कि उनकी बच्ची मार्च 2011 में पैदा हुई थी और उसके बाद फिर आमिर नामी लड़के ने नवाब शाह से उसको अगवा करने के बाद जो शादी कर ली। लड़की ने तहफ्फुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था और अदालत ने लड़की का 161 का बयान रिकॉर्ड करने के बाद लड़के के साथ उसको जाने की इजाजत दी है। जो वकला है उनका मौकफ ये था कि सिंध चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट और उसके अलावा जो अगवा का की दफात इस मुकदमे में जो वो लड़की है, लेकिन अदालत ने कहा है कि बच्ची लड़के के साथ जा सकती है और पुलिस की सिक्योरिटी फराम करने का भी हुक्म दिया है, लेकिन अगर वालिदैन को इतराज है तो ट्रायल कोर्ट से इस मामले के लिए रजू। अदालत ने जो पहले से मुकदमा दर्ज था अगवा और इसके अलावा जबरदस्ती शादी करने का, उस मुकदमे को सी क्लास करने का हुक्म दिया और लड़की को लड़के के साथ जाने के साथ साथ प्रीडी पुलिस को हुक्म दिया कि इसको तहफ्फुज़ के साथ जहां ये जाना चाहते हैं उनको मुंतकिल किया जाए। ठीक है शाहिद हुसैन, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ 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 खेल के खेलेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाख खोले जाओ, आखिरी खिलाड़ी कौन। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।